तो कैसे आप सब वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो कैसे आज के और न्यू GTA 5 वीडियो के साथ वापस। और भाई आप सभी को याद ही हो कि लास्ट टाइम अपने को पुलिस पकड़ ली थी और हम जेल में। और भाई ये लोग जेल में स्मोकिंग कैसे कर रहे हैं भाई, ये गलत बात है ना। तुम लोग भाई जेल के अंदर स्मोकिंग कर रहे हो, तुम्हारे तो को दुख क्या है घुसे। पता चले इसके ग्रुप मुझे मिलकर मारने लगे, लेकिन ये भाई इसको मैंने घुसे दे दिया। बट इसके जो तीनों फ्रेंड है उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। और हर एक चीज भाई देख रहे हो, बंदे अपना स्मोक वगैरह कर रहे हैं भाई जेल के अंदर। ये सब कैसे अलाउ है पता नहीं। प्रिजन में कुछ ज्यादा भी कुछ टाइट सिक्योरिटी नहीं होगी या फिर कुछ नहीं होगा, जो भी है। और गाइस आप सभी को याद ही होगी लास्ट वीडियो में भाई हम लोग गए थे अपनी लैम्बोर्गिनी को छुड़ाने चाइनीज गैंग के बंदों से, और लेस्टर से उसका लोकेशन निकलवाया था भाई शहर के सारे कैमरे को हैक कराकर। और भाई उसी दौरान हम लोग हमें पुलिस ने पकड़ लिया और भाई हम आ चुके हैं प्रिजन के अंदर। और ये देखो भाई बंदे अपना मस्त इधर उधर सुबह का टाइम में टहल रहे हैं घूम रहे, और तुम्हारा भाई पूरा का पूरा एक रात बिता चुका है प्रिजन में। और भाई मेरे से ना बिल्कुल भी प्रिजन में रहा नहीं जा रहा है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत छिपने वाला जैसा जगह है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और सबसे पहले लेस्टर को कॉल करते हैं और देखता हूँ कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो कॉल करते हैं भाई लेस्टर को। अबे उठा ले भाई। Hey, it's Lester. ओके गाइस ऑल डन, अपनी जो बात है वो लेस्टर से हो चुकी। और भाई लेस्टर ने इतना तगड़ा बताया है ना प्लान, मतलब पूछो मत, मजा आ गया भाई। लेस्टर ने बताया कि भाई रात होने से पहले तुम एक दो गार्ड को मारकर भाई अपने पास एक गन ले लो, क्योंकि अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो अपने पास एक भी गन नहीं है क्योंकि हम यहाँ से एस्केप करने वाले हैं। तो भाई ऊपर एक छत के ऊपर मुझे एक गार्ड दिख रहा है, तो क्यों ना भाई मैं चुपचाप से जाकर उस गार्ड को मारकर उसका गन छीन लूं। तो भाई ये थोड़ा बहुत हार्ड है, अगर भाई ये लोग बार बार ये जो भाई अनाउंसमेंट वगैरह हो रहा है उसमें अपना नाम नहीं आते नहीं तो अलग ही कुटाई हो जाएगी और पता चले कि भाई कुछ पनिशमेंट ना दे दे ये लोग अपने को। फिलहाल मैं ऊपर आ चुका हूँ भाई, धीरे से जाऊंगा एकदम प्यार से, उसको पता भी नहीं चलेगा और गुस्से में इसको ढेर कर देंगे। तो हेलो अंकल जी, किस चीज का ड्यूटी चल रहा है पे? ये लोग बूम भाई एक पड़ चुका है इसको। अबे उठ उठ मत भाई, फायर करियो मत, फायर फायर। और भाई नहीं, इसने फायर कर दिया और गन छोड़, जल्दी से गन छोड़। ओके तो इसने गन छोड़ दिया और जितने के भाई ये सब प्रिजनर्स थे वो सारे के सारे कैदी डर कर भाग चुके हैं। तो मैं भी थोड़ा बहुत आराम से चलता हूँ भाई, मुझे गन मिल चुकी है तो ऐसे ऐसा शो करके जल्दी से निकल जाते हैं कि भाई किसी को हमारे ऊपर शक ना हो, नहीं तो पता चले अलग ही उधर अलार्म वगैरह बज जाए। ओके ओके, ये जो अनाउंसमेंट है वगैरह हमेशा चलते रह रहा है क्योंकि सुबह का समय। और भाई गन तो मिल चुका है लेकिन इस गन में कुछ खास एमो नहीं है। तो रुको, ओके भाई अलार्म भी बजना शुरू हो चुके हैं तो मेरे लिए नहीं तो बज रहे हैं ना भाई, क्योंकि डर लग रहा हो कि ऊपर एक और कार्ड है। तो चलते इसको मारते और भाई इसके पास से एमो लेते हो। तो ऊपर आ चुका हूँ, हेलो ये लो, चलो इसको मैंने मार दिया। मर गया क्या भाई, एमो वमो मिला कि नहीं? ओके तो इसके पास से 13 एमो मिल चुका है, तो चलो बहुत सही है। अभी नीचे चलते हूँ कुछ ऐसे ही करते हुए ना भाई, इस कार्ड से भी मुझे एमो लेना है। तो हेलो अंकल जी कैसे हो, ये लो। अबे तुम्हें गार्ड किसी ने बना दिया, इनको पता ही नहीं चल रहा भाई। एक कैदी ऊपर आकर इनको इजी मार दिया भाई, इसके पास गन नहीं था। और नहीं भाई मेरे से गलती से फायरिंग हो गया। एक सेकंड, मैं जल्दी से यहाँ से छुप जाता हूँ यहाँ पर, जब तक रात नहीं होगा ना भाई मैं यहाँ से निकलूंगा ही नहीं। ओके तो मैं यहाँ पे छुप गया हूँ और वेट करते हैं कि भाई कब रात हो। ओके गाइस तो पूरे दिन में यहाँ पे छुपे रह गया और भाई अभी फाइनली रात हो चुका है और भाई अभी टाइम आ गया लेस्टर को कॉल करने के लिए। तो रुक जाओ एक बार, नीचे का माहौल चेक कर लूं। ओके भाई ये जो जिम वगैरह करने वाले बंदे रात के टाइम भी जिम करते और पता नहीं अपना क्या अंदर से घबराए हुए हैं। छोड़ो मैं लेस्टर के पास कॉल करता हूं और बोलता हूं कि भाई जल्दी से कुछ करो। ओके गाइस तो लेस्टर से बात हो चुकी और अभी लेस्टर भाई एक फेक सायरन बजाएगा और पुलिस वाले को बोलेगा कि भाई जो प्रिजन है ना उसके अंदर कुछ खतरनाक हो चुका है, कैदी वगैरह अपना लड़ रहे हैं आपस में। तो अभी भाई पुलिस वगैरह आएगी तब तक मैं इधर छुप जाता हूँ। और गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे कि पूरे का पूरे 5 स्टार का पुलिस लग चुका और लेस्टर ने भाई अनाउंसमेंट कर दिया। तो इधर से एक हेलीकॉप्टर आ रही है, तो ये रही इसको मारते हैं पहले। और भाई भाई कहाँ से बंदे मार रहे हैं, एक सेकंड। और लेस्टर ने बोला कि तुम्हारे लिए भाई मैं एक हेलीकॉप्टर का प्रबंध करा दूंगा, लेकिन एक भाई ये हेलीकॉप्टर ऊपर से आकर नीचे भाई कैसे चली गई ऊपर, अभी तो नीचे आई थी ना।
तो एक सेकंड रुक जाओ, इनको पहले मार लूं, फिर मैं आपको प्लेन एक्सप्लेन करता हूं। और अपने पास एमो नहीं है तो हटो, तुम्हारी तो एमो तो, या फिर गन दो मुझे जल्दी से। ओके शॉटगन आ चुका है। अबे कहां के बदमाश हो तुम लोग, हटो, तुम्हारी तो, इसको मारो पहले भाई, मुझे कवर लेना पड़ेगा। अगर मैं कवर लेकर दिखेगा ना तो ये लोग मुझे इजी मार देंगे। तो यहाँ पे कवर ले लेते हैं थोड़ा देर। ओके छत पे जा जाकर मारेंगे भाई। लेस्टर भाई कैसा सा प्लान बताया भाई, मेरे जान को बहुत खतरा है। ओके ओके तो मैं इधर से निकलता हूँ, एक गाड़ी मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और लेस्टर ने बोला कि मैं एक पुलिस वाले से बातचीत करके भाई तुम्हारे लिए वहां पे एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भिजवा रहा हूँ, तो उसको लेकर निकल जाना। तो भाई पुलिस वाले तो आ चुके हैं, लेकिन मुझे एक बार लेस्टर ने बोला था कि पूरे प्रिजन का राउंड लगा देना, वो तुम्हें हेलीकॉप्टर मिल जाएगी ना, उसको उठाना और भाई वहां से निकल जाना। तो एक बार ढूंढते भाई आखिर लेस्टर ने हेलीकॉप्टर किधर खड़ा करवाया है। अगर भाई मुझे दिख जाए ना, मैं जल्दी से लेकर निकल जाऊंगा। भाई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है भाई, कहीं भी हेलीकॉप्टर मुझे दिख ही नहीं रही है। और यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे बैरियर टाइप लगा है, तो मैं तो उसके आगे नहीं जा सकता हूँ। तो अपनी गाड़ी को करते हैं यहाँ पे बैक सबसे पहले। और हेलीकॉप्टर वाले तुमको, इनसे भाई मुझे हमेशा प्रॉब्लम रहती है, हमेशा लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं और भाई पकड़ लेते हैं। तो आ जाओ, इनको मारो पहले और इनका गाड़ी छीनते हैं। रुको, अच्छे से मारो, अच्छे से, दोबारा उठना नहीं। ओके तो इनका गाड़ी ले लेते और एक और मार लेते हैं प्रिजन का पूरा। और देखते हैं आगे कर लेस्टर ने हेलीकॉप्टर किधर मंगवाया हमारे लिए। तो ओके गाइस, ये सामने रहा हेलीकॉप्टर। और भाई साहब कोई ना कोई पुलिस वाला इसमें से भाई इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लाकर खड़ा किया, तो बैठ जाती इसमें जल्दी से। ओके तो भाई उड़ जाए सेफली बस यहाँ से, कोई इसके ऊपर फायरिंग मत करो यार, नहीं तो डैमेज हो जाएगी, तो फट जाएगी और हम यहाँ से निकलेंगे ही नहीं। और तुम्हारे भाई ने मस्त टेक ऑफ कर लिया है, तो देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ओके और ये हेलीकॉप्टर वाला भाई कंटिन्यू फायरिंग किया जा रहा है, पर मेरे हेलीकॉप्टर के अंदर ना भाई गन वगैरह का सिस्टम नहीं है, नहीं तो मैं इसका मुंह ना अभी तोड़ दूं। बट कोई भाई चारा ही नहीं है। और तुम्हारा भाई मस्त यहाँ से प्रिजन से एस्केप कर दिया है। तो भाई अभी थोड़ा बहुत दिल को ठंडक मिला। और लेस्टर ने कॉल किया था कि भाई लॉस एंजेलिस के अंदर जो टर्मिनल है ना, उसी के अंदर तुम जाकर छिप जाना, क्योंकि बाहर घूमोगे तो तुम्हें भाई पुलिस बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तो भाई मेरे अंदर यही दिमाग है ना, मैं जाऊंगा उस टर्मिनल के अंदर छुप जाऊंगा। तो चलते हैं जल्दी से लॉस एंजेलिस। और ये पीछे हेलीकॉप्टर, यार ये पुलिस वाले भाई पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते यार, कसम से मैं परेशान हो चुका हूँ। और गाइस तुम्हारा भाई फाइनली आ चुका है लॉस एंजेलिस के अंदर। तो जल्दी से किसी ब्रिज पे इस हेलीकॉप्टर को लैंड कराते हैं। और नीचे तो आप लोगों को पानी दिख रहा होगा ना, उसके बगल में राइट और लेफ्ट दोनों तरफ खाली एरिया है, तो वहीं पे भाई हमें वो टनल मिलेगी जिसके अंदर जाना है। तो सामने वाले ब्रिज पे हम इसको लैंड करा देते हैं। ओके यहाँ पे सेफ लैंडिंग हो जाए पर। ओके तो गाइस अपनी सेफ लैंडिंग हो चुकी है। और भाई साहब पुलिस वाले ने क्या तगड़ा ट्रिप तुम्हारा यार। भैया आप गाड़ी दे दो सबसे पहले, मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, चलो उतरो आप यहाँ से। ओके तो इस गाड़ी को ले लिए हैं और निकलते हैं से जल्दी से। भाई इसको मत खोल देना यार तुम लोग। भाई साहब ये पुलिस वाला क्या खतरनाक ड्रिफ्ट मारा, अगर आप लोग वीडियो को पीछे करके देखो ना भाई, इतना तगड़ा ड्रिफ्ट मारा ना, कसम से भाई मजा आ गया। मैंने नहीं मारा बट उसने मारा। ओके ये शायद मैं सिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो भाई मुझे पीछे जाना पड़ेगा, मैं गलत जा रहा था थोड़ा बहुत। अब यार तुम लोग मत मारो ना भाई, कम से कम भाई ये पुलिस वाले ऐसे रोकते हैं ना जैसे कि इनका धंधा लेकर भाग रहा हूँ। मेरे पास गन नहीं है, नहीं तो इनका मुंह तोड़ दूं अभी उतर कर मैं। अभी अपने पास भाई भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अपने पास एक सस्ती सी गाड़ी है भाई, कोई तगड़ा सा गाड़ी भी नहीं हो कि मेरे पास पिस्तौल है। मैंने एक दो गोली फायर किया बट कुछ हुआ नहीं। और भाई सामने से अपने को नीचे जाना, तो एक बार प्यार से नीचे जाते हैं और देखते हैं भाई नीचे कहाँ से गए। भाई कैसा सा गधैया सा पुलिस है भाई, उसको मेरी जान की फिक्र पड़ी ही नहीं है, उसने डायरेक्ट टक्कड़ मारा और भाई मैं नीचे आ गया। ओके ये भी भाई नीचे आ गया, चलो सही है भाई, सारे के सारे पुलिस वाले नीचे आने वाले हैं मुझे ऐसा लग गया। तो मैं भाई जल्दी से निकलता हूँ। और ये हेलीकॉप्टर वाले ना भाई पीछा छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहे, कैसे से बंदे हैं। और सामने से पुलिस वालों का सायरन का साउंड, अरे यार छोड़ दो भाई पीछा, बस कोई दिक्कत नहीं, एक बार वो टर्मिनल मिल जाए ना अपने को, उसके अंदर चले जाएंगे भाई पुलिस वालों को ना कानों कान खबर नहीं लेगा। और भाई फुल स्पीड में जाते हैं, टर्मिनल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो उसी के अंदर चले जाएंगे और भाई पुलिस वालों को कुछ खबर नहीं मिलेगा। और ये रहा टर्मिनल, मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। और भाई ये गाड़ी बेशक से सस्ती सी है,
बट अपना इसने इतना तगड़ा साथ दिया ना भाई, मतलब क्या ही बोले। लेम्बोर्गिनी ने भी अपना साथ दिया था बट अपना एक्सीडेंट हो गया था, आप सभी को याद ही होगा लास्ट वीडियो में। और गाइस फाइनली जो पुलिस वाले हैं उन लोगों ने अपना पीछा छोड़ दिया। और भाई अभी अभी लेस्टर से मेरा बात हुआ और उसने बोला कि डायरेक्ट इसके बाद तुम घर पे जाओ और कोई भी कलेश ना हो, कोशिश करना अगर पुलिस वाले घर पे आते हैं तो पीछे से पीछे वाले गेट से तुम निकल जाना, तो ओके इस पानी में से गाड़ी तो निकल जाएगी ना भाई, मैं तो घर से निकल जाऊंगा। हालांकि पुलिस वालों से फाइट भी कर लेंगे। और गाइस अभी बहुत तगड़ा केस हो चुका है माइकल के ऊपर। और भाई साहब अब डर ये है ना मुझे, ये गाड़ी टूट ना जाए कहीं, क्योंकि कुछ ज्यादा ही टूट रही है। यहाँ से चढ़ जाए बस एक बार प्यार से, ओके तो यहाँ से गाड़ी चढ़ गई। और गाइस आप सभी ने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने मस्त चाइनीज गैंग के बंदों से अपना लेम्बोर्गिनी छुड़ा कर लाया, बट उनका लिंक पुलिस वालों से कुछ ज्यादा ही तगड़ा था। तो भाई पुलिस वालों ने हाईवे पर अपना खतरनाक भाई एकदम रास्ता ब्लॉक किया, मतलब फाइट वगैरह हर एक चीज हुई, बट भाई वहाँ पे माइकल का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हम पकड़े गए और प्रिजन के अंदर चले गए। और भाई फाइनली तुम्हारा भाई बस इस टर्मिनल के अंदर से निकलने वाला है थोड़ी देर में। भाई मुझे जहाँ तक इसका रास्ता याद है बस अब सामने हाईवे आने वाला है और मुझे दुनिया दिख चुकी है बाहर की, लॉस एंजेलिस की। तो ओके चलते यहाँ पे सामने, मस्त हम लोग आ चुके हैं एकदम सेफली और कोई भी हमें कुछ नहीं बोल रहा है। तो ओके ओके रुक जाओ भैया, कोई ठोकना मत, गाड़ी पहले से खत्म है, इसको घर तक लेकर जाना। तो बस गई इस आज की इस वाले गेम प्ले वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। और भाई जो भी बंदे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई गलत बात है, एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, तो भाई सब्सक्राइब कर दो। नीचे जो रेड वाला बटन है उसको ग्रे कर दो, क्योंकि भाई मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है एक सब्सक्राइब से। और भाई कमेंट बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। और भाई जो भी बंदे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए जाओ यार फॉलो कर लो, और देखते हैं कि भाई आगे माइकल के लाइफ में क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी उस सबको झेलेंगे। और भाई मुझे पता है वीडियो एक दिन लेट आई, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।